हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे एक नई अपडेट की। स्वीकृत व खाली पदों का ब्यौरा नहीं दे रहे विभाग की। मतलब देखो, अगर एचपीएससी भर्ती लेगी तो एचपीएससी भेजेगी डिपार्टमेंट को अपना पूरा डिटेल कि भाई हमें यहाँ से इस डिपार्टमेंट से कितनी वैकेंट शीट है वो चाहिए, डिटेल चाहिए। और एचएसएससी करा रही है तो एचएसएससी भेजेगी। हरियाणा में संवेदनशील जो मलाईदार पद होते हैं उनकी जानकारी देने से बच रहे विभाग, निगम और बोर्ड अब उनके यहाँ पर स्वीकृत कुल पदों और खाली पदों का ब्यौरा भी सरकार को देने से बच रहे हैं। 31 विभागों ने तो यह जानकारी ही साझा नहीं की, जबकि 15 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिन्होंने परफॉर्मा के अनुसार डाटा नहीं दिया। मुख्य सचिव कार्यालय ने सभी और बोर्ड निगमों के निदेशकों को अंतिम मौका देते हुए ये 3 दिन में यह जानकारी मांगी है। यदि अभी भी सूचना नहीं भेजी या देरी की तो संबंधित विभागों के खिलाफ कार्रवाई कर दी जाएगी। प्रदेश में कुल 92 डिपार्टमेंट हैं, निगम और बोर्ड हैं। समय समय पर विपक्ष खाली पदों को लेकर हरियाणा सरकार को घेरता है, इसीलिए सरकार ने 18 फरवरी को विभाग, निगम और बोर्ड से उनके ग्रुप बी और सी और डी की क्या मांगी है, खाली पद की डिटेल मांगी है। और इसके बाद मुख्य सचिवालय के मानव संसाधन विभाग ब्रांच की ओर से 3 अप्रैल को रिमाइंडर भी भेजा। रिमाइंडर होता है फिर से भेजना, नोटिस। उसके अलावा एंटी करप्शन ब्यूरो धर्मार्थ, ये आप देख सकते हैं, मानव संसाधन विभाग ने 3 दिन के भीतर ही मांगी है मंजूरी, नहीं दी तो होगी कार्रवाई। और इसके अलावा एक अपडेट ये है, निर्धारित परफॉर्मा के तहत सूचना नहीं भेजने वाले ये विभाग हैं। इन सब का डिटेल है कमीशन के पास, तो अगर ये नहीं भेजेंगे, किस किस ने डिटेल नहीं भेजी है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनको फिर से नोटिस डाला जाएगा, रिमाइंडर डाला जाएगा। ये हमारे जो कौशल सचिव हैं, सॉरी, हमारे जो मुख्य सचिव हैं, उन्होंने भी बोल दिया है। ये 2 अपडेट थे, एक सीईटी को लेकर और ये खाली पदों को लेकर, इसमें बी सी और डी के पद आएंगे। आपको अपडेट कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, मैं आपको लिंक दे दूँगी ताकि इजीली जुड़ पाएँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।